वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। और क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन आप सभी को पता है, क्रिप्टो मार्केट बहुत नीचे आ चुका है। $34,000 के लेवल जो है बिटकॉइन ने दिखा दिया, और बिटकॉइन के लेवल जहां तक एक्सपेक्टेड था, और हमने आपको कहा भी था कि बिटकॉइन के लेवल $34,000 पे भी आ सकते हैं, और वो चीज़ हो गई कल रात को ही। और आज जो मॉर्निंग में आप सबने प्राइस देखा होगा, तो वो $34,000 का आपने प्राइस देखा होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें इस टाइम पे काफी बियरिश है, $34,500 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। इथीरियम भी $2,500 पे ट्रेड कर रहा है, और काफी लो लेवल आए हैं इथीरियम के, 355-357 ये कुछ लेवल्स बाइनेंस कॉइन के चल रहे हैं। तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट बहुत नीचे आया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे अब क्रिप्टो मार्केट की काबिलियत पे शक कर रहे हैं, तो आज हम थोड़ा क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करेंगे। और क्रिप्टो मार्केट में अब दम नहीं रहा है बिल्कुल। अगर आप देखेंगे सिचुएशन जो है लास्ट दिसंबर से ऐसी चल रही है, और दिसंबर के बाद अब तक मई मंथ के अंदर आ चुके हैं हम यहाँ पे। एक बार बीच में हमको बिटकॉइन ने $48,000 के लेवल दिखाए, ठीक है, उसके बाद सिचुएशन फिर वैसे हो चुकी है। और यहाँ पे अब जो है सिचुएशन काफ़ी लो आ गई है, और आगे और भी नीचे जा सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। और भी लो लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बाउंस बैक भी मार्केट आपको दिखा दे। क्रिप्टो मार्केट में पॉसिबिलिटीज कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कभी भी आपको चकमा दे सकता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है वो एक बियरिश सिचुएशन है। ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट की काबिलियत पे शक कर रहे हैं, आज हम यही डिस्कस करेंगे। आपको बहुत सारी कंपनीज के आप स्टॉक ले लीजिए, बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट के डाउन की बातें तो चलती हैं क्रिप्टो मार्केट, और देखो क्रिप्टो मार्केट ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जितना हाई रिवॉर्ड आपको मिलता है उतनी हाई वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है। अब आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हो, आपको 100% रिटर्न, 1000% रिटर्न के लिए भी शायद 3 साल या 5 साल वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको किसी स्टॉक के अंदर इतने बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। तो यहाँ पे 1000% एक तो क्रिप्टो में आपको हायर रिवॉर्ड मिलते हैं, तो हायर रिस्क भी ज़्यादा है। सिंपल सी चीज़ है, जहाँ आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होगा। या तो आप स्टॉक मार्केट में जाइए और 5-10 साल वेट कीजिए अपने अपने जो आप इन्वेस्टमेंट किया है उसको 10 गुना होने के लिए। लेकिन क्रिप्टो आपकी 10 गुना 20 गुना 100x भी यहाँ पे इजीली कर सकता है, वो भी कम टाइम के अंदर, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है क्रिप्टो में। और क्रिप्टो इसीलिए मतलब माना जाता है, अगर आप देखेंगे काफ़ी वॉलेटाइल है, और ये वॉलेटिलिटी देख के लोग घबराते हैं कि चलो भाई क्रिप्टो मार्केट डाउन आ जाएगा। एक ह्यूमन बिहेवियर है, जब जो मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है वो नीचे आ जाता है तो हम यहाँ पे घबरा जाते हैं, और यही सब चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पे। यहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, जो क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी सालों से हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल आराम से हैं, पेशेंस है उनके अंदर, उनको पता है क्रिप्टो मार्केट किस तरह से चलता है, क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। और ये लोग जो पैनिक हो रहे हैं वो अभी अक्टूबर के अंदर आया, लास्ट अक्टूबर में, और ज़्यादा टाइम आपको नहीं हुआ है। तो क्रिप्टो मार्केट को जिस दिन आप समझ जाओगे ना, आप खुद सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे और यहाँ पे पैनिक नहीं होगे। तो बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, मैं इतना लॉस के अंदर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, बिल्कुल सभी लॉस के अंदर हैं, यहाँ पे कोई प्रॉफिट के अंदर नहीं है। लेकिन अगर आप होल्ड ही नहीं करोगे मार्केट के ऊपर जाने का, और क्या सोच के क्रिप्टो मार्केट में आप आए थे, क्रिप्टो मार्केट हाईली वॉलेटाइल मार्केट है। अगर आपको ये हाई रिवॉर्ड शिबा, इन्होंने अक्टूबर में 1000% के रिटर्न दिए, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, 1000% आपको स्टॉक मार्केट में, आप बड़े बड़े स्टॉक मार्केट की कंपनीज ले लीजिए, जितने भी स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स आप देख लीजिए, चाहे एप्पल का हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे पेपाल हो, चाहे यहाँ पे जितनी भी हो, शॉपिफाई, सबके स्टॉक इतने माइनस में चल रहे हैं और काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, -80% तक नेटफ्लिक्स चल रहा है। तो वो सब चीज़ें लोगों को गवार है, मतलब अगर आप देखेंगे वो सब चीज़ें चलती हैं। अगर स्टॉक इतना डाउन चल रहा है तो हमको चलेगा, लेकिन क्रिप्टो मार्केट डाउन जाएगा तो हमको नहीं चलेगा। तो क्रिप्टो मार्केट एक चीज़ रियलिटी में आपको काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, अगर क्रिप्टो मार्केट में आप होल्ड नहीं कर सकते, पेशेंस नहीं रख सकते, तो क्रिप्टो मार्केट आपके लिए है ही नहीं। अगर आप हाई रिवॉर्ड चाहते हो तो पेशेंस रखोगे तो हायर से भी हायर रिवॉर्ड देगा। क्रिप्टो मार्केट की काबिलियत पे शक आप तभी कीजिएगा जब आप मार्केट को समझ जाएं। जब आप मार्केट को अभी समझ ही नहीं रहे हो, आपको मार्केट का क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं मालूम है, और आप मार्केट की काबिलियत पे शक कर रहे हो, मतलब
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कहीं भी आपको इतने रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे जितने क्रिप्टो मार्केट के अंदर मिलते हैं। इतने कम टाइम के अंदर आप चाहे स्टॉक मार्केट में चले जाओ, वहां भी आपको रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। आप इन्वेस्टमेंट कर दो अपना स्टॉक मार्केट के अंदर, किसी स्टॉक के अंदर कर दो, तो डेफिनेटली आपको एक साल दो साल में भी 100% का रिटर्न मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है किसी स्टॉक के अंदर। अगर आपने अच्छे स्टॉक में किया है तो एक दो साल में 100% का रिटर्न मिलता है जाके, जब एक बुल मार्केट आती है तब जाके इतने रिटर्न मिलते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 200%। और एक अगर आप देखें क्रिप्टो मार्केट में जब बुल मार्केट आती है ना तो रिटर्न्स हायर रिटर्न्स मिलते हैं जितने भी आपके पास क्रिप्टो होते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट की काबिलियत पे शक आप तब कीजिएगा जब बिटकॉइन 0 से लेके 50 लाख रुपए का हो गया, इथेरियम 0 से लेके 2-3 लाख पे अभी जो चल रहे हैं वैल्यू, अभी भी आप देखेंगे काफ़ी हाई बना चुका है। शिबा इनू जिसने इतने ज़्यादा रिटर्न दिए 1.5 साल के अंदर, तो इतने रिटर्न्स आपको पूरी दुनिया में, चाहे आप किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वर्ल्ड वाइड किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, रियल एस्टेट में कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर लो, इतने रिटर्न जितने शिबा इनू ने दिए हैं, शिबा इनू ने तो ऑलरेडी हिस्ट्री बनाई है, लेकिन इससे बेहतरीन रिटर्न आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। बाकी हम यहाँ पे आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं, चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट पे शक आप तभी कीजिएगा काबिलियत पे जब आप क्रिप्टो मार्केट को समझते हैं, ठीक है। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट को समझते नहीं है, आपको क्रिप्टो का सी भी नहीं मालूम है, आपको आए अभी बहुत कम टाइम हुआ, तो मैं यही कहूँगा सीखते रहिए, क्रिप्टो को समझते रहिए, और जब आप क्रिप्टो को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको खुद समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें। यही कुछ चीज़ें चल रही हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और मार्केट की काबिलियत पे शक मत कीजिए, थोड़ा सा वेट करिए बुल मार्केट आने का, और बुल मार्केट भी आएगी, ठीक है। क्रैश भी आता है, देखो हाईली वॉलेटाइल है क्रिप्टो मार्केट, जितना नीचे जाता है ना उससे कहीं ज़्यादा फिर वो ऊपर भी जाता है, ये बिहेवियर है क्रिप्टो मार्केट का, तो इसके साथ आपको चलना पड़ेगा। बिल्कुल जहाँ पे आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं, हायर रिवॉर्ड मिलते हैं, वो चीज़ वॉलेटाइल ज़्यादा होती है, क्रिप्टो मार्केट का यही बिहेवियर है, इसी बिहेवियर के साथ आपको चलना पड़ेगा। और अगर क्रिप्टो मार्केट आपको हाई रिवॉर्ड देता है तो हाई रिस्क भी इसके अंदर है, आपको नीचे भी उतना ही आता हुआ दिखेगा जितना ऊपर जाता हुआ दिखता है। ये स्टॉक मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी नहीं होती, वहाँ भी रिस्क है, ठीक है, लेकिन वहाँ रिटर्न्स आपके जो हैं काफ़ी सालों के अंदर जाके आपका पैसा ग्रो होता है। लेकिन अगर आप तेज पैसा बनाना चाहते हैं, एक फास्ट वे में बनाना चाहते हैं, तो क्रिप्टो के अंदर 1-2 साल भी आप किसी क्रिप्टो को होल्ड कर लेते हैं तो 2 साल में भी चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, ठीक है। यही कुछ चीज़ें थी, आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर आपके कुछ व्यू, आपके कुछ कमेंट्स हैं इसके ऊपर तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होना चाहिए ये बताइएगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए